the name of Allah, who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is one of the most famous tragedy of Shakespeare, named as Coriolanus, और इसका फुल नेम है द ट्रेजिडी ऑफ कोरियोलैनस. कोरियोलैनस एक ऐसा वर्ड है जिसको हर इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोनाउंस करता है, लेकिन इसकी दो प्रोनाउंसिएशन है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, कोरियोलैनस एंड कैरियोलैनस. यह हर इंसान पर खुद डिपेंड करता है वो किसको किस तरह से प्रोनाउंस करना चाहता है. द ट्रेजिडी ऑफ कोरियोलैनस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, रिटन बिटवीन 1605 टिल 1608, पब्लिश्ड इन 1623, सेटिंग अर्ली रोमन रिपब्लिक. और अर्ली रोमन रिपब्लिक वो है जिसमें कि गवर्नमेंट के अलावा पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, इसीलिए अर्ली रोमन रिपब्लिक का वर्ड ही ये शो कर रहा है कि पब्लिक ही बहुत ज़्यादा मानी जाती थी इस एज में. कोरियोलैनस इज़ अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, बिलीव टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1605 टू 1608. द प्ले इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ अ लेजेंडरी रोमन लीडर कीज मार्शीज Coriolanus. It is one of the last two tragedies written by William Shakespeare along with Antony and Cleopatra. Means उसके ये पैराग्राफ पढ़ने का मतलब ये था कि ये जो एक ट्रेजिडी है ये शेक्सपियर ने अपनी लाइफ के लास्ट ईयर्स में लिखी थी, और इनकी दो लास्ट ट्रेजिडीज़ हैं, एक थी एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा और दूसरी कोरियोलैनस है इनकी. आज हम अपनी कवर करेंगे कोरियोलैनस को, नेक्स्ट टाइम दूसरी इसकी ट्रेजिडी को कवर करेंगे. सबसे पहले हम चलते हैं इनकी करेक्टर लिस्ट की तरफ. कीज मार्शस, जिसको बाद में कोरियोलैनस नेम दिया जाता है, ये हमारे पास एक लेजेंडरी सर्वेंट है या लेजेंडरी सोल्जर है रिपब्लिक एज का. कॉमिनस हेल्प, ये कीज की हेल्प करता है हर मकाम पे. और ये दूसरा एरिस्टोक्रेटिक, आप कैसे एरिस्टोक्रेटिक सोल्जर है. मैनियस एग्रिपा, ये भी एक सोल्जर है. वॉलमिनिया जो कि मदर है हमारे हीरो की, कैशियस की. और प्लीबियंस जो कि पब्लिक है, लेकिन रिपब्लिक में प्लीबियंस कहा जाता था इनको. इस टर्म का मीन हम नेक्स्ट में बहुत अच्छे तरीके से इसका एलिब्रेट करेंगे. ऑफिडियस जनरल, वॉल्शियंस का जनरल है. ट्रिब्यून्स, ये भी एक किस्म की पब्लिक होती है. हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहां इन कैरेक्टर में जिस टर्म का मीन हमें समझ नहीं आया वो हमें ईजीली अपनी स्टोरी में मिल जाएगा. स्टोरी कीज मार्शस है जो कि एस्टोकेटिक ब्रेव सोल्जर है, और मीन्स उसके वो लड़ने से डरता नहीं है, लेकिन उसका बिहेवियर अपनी पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा रूड है. मतलब रूड ऐसे है कि उसके दिल में जो बात होती है वो कह देता है, और उसके दिल में अपनी आवाम के खिलाफ बहुत ज़्यादा गन भरा हुआ है. वो बहुत ज़ालिम किस्म का एक जनरल है. मैनियस जो है वांट्स टू सेव फ्रॉम वायलेशंस, वो चाहता है कि आवाम और कीज के दरमियान कोई लड़ाई ना हो, इसलिए वो आके बचा लेता है आवाम को. थोड़ी सी बातें कीज की जो बातें थी उलट करके बता देता है कि कीज ये कहना चाहता था, आप ये समझ रहे हैं. और इतने में इनके पास खबर आती है कि ऑफिडियस जो है, जो कि जनरल ऑफ वॉल्शियंस का है, उसने हम पे हमला कर दिया है कोरियोलैनस सिटी पे. और ये जो कीज है इसको अपने फ्रेंड मैनियस के साथ जाना पड़ता है उस महाज पे लड़ने के लिए, और सारे डर के भाग जाता है, लेकिन सिर्फ कीज ऐसा इंसान होता है जहाँ वहाँ पर खड़ा होकर लड़ता है, क्योंकि वो ब्रेव है और लड़ता रहता है, और एंड में वो विक्ट्री हासिल कर लेता है. वॉन द फाइट टू नेम्ड एज कोरियोलैनस, वो जब जीत जाता है तो अवाम उसको कोरियोलैनस के नेम से पुकारते हैं, क्योंकि उसने कोरियोलैनस सिटी को वॉन किया होता है. और पब्लिक सपोर्ट इन कंपल्सरी फॉर रोमन काउंसिल, मीन्स उसके ये जो होता है ये रोमन का काउंसिल बनना चाहता है. जब इसको कोरियोलैनस नेम मिला, इसने देखा कि मेरी इतनी ज़्यादा फेम हो गया, मैं एक सोल्जर आम सा सोल्जर था, लेकिन मुझे एक विक्ट्री ने इतना फेमस कर दिया, तो ये चाहता है कि मैं रोमन का वो बन जाऊँ, काउंसिल बन जाऊँ, रोम काउंसिल. और वो बनने के लिए उस एज में अवाम की सहायता बहुत ज़रूरी होती है, मीन्स अवाम का ओपिनियन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और बात सिर्फ ओपिनियन की नहीं है, जब तक अवाम सपोर्ट नहीं करती कोई भी इंसान जो रोम है उसको काउंसिल नहीं बन सकता. और वॉलमिना जो कि हमारे हीरो की कीज की मदर है, अब हम किस नहीं बोलेंगे, कोरियोलैनस बोलेंगे, क्योंकि उसका नेम जो है अवाम ने उसको कोरियोलैनस दिया है. वह हॉल में वर्क करती है अपने बेटे के लिए, और लोगों को इस पर राजी करती है कि मेरे बेटे को रोम का काउंसिल आप लोग नामजद कर दें या इसको वोट्स वगैरह दें. जब अपनी माँ को देखता है कि वो मेरे लिए इतना वर्क कर लिया, तो फिर वो भी अपने रोम का काउंसिल बनने के लिए थोड़ा सा वर्क करता है, कि इस अपने आप को थोड़ा चेंज करता है और इमोशनल स्पीच बनाता है और ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के बाहर आ जाता है. जब लोग उसको ट्रेडिशनल ड्रेस में देखते हैं तो लोग हंसते भी हैं कि ये क्या हो गया, कीज ऐसा इंसान तो नहीं है. फिर भी वो मान लेता है, तो प्लीबियंस जो थे वो एग्रीड हो जाते हैं, ठीक है हम रोम का काउंसिल बना लेंगे इसको, कीज को. लेकिन ट्रिब्यून्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा ज़हीन होते हैं प्लीबियन से, आम पब्लिक से थोड़ा ज़हीन होते हैं, और वो उनको कहते हैं तुम ख्वाब देख रहे हो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कीज तुम्हारे लिए काम करेगा, इसका रूम बिहेवियर देखा आवाम के साथ कैसा है. तो जब ट्रिब्यून्स प्लीबियंस को एग्री कर लेते हैं, तो प्लीबियंस जो होते हैं वो अपना
पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना उसके खिलाफ, कि इसके मुतलिक के ये हमारे कुछ अच्छा करेगा, वो चेंज कर लेते हैं। अब बट ट्रिब्यून्स मेक दम वैकेंट, प्लीबियंस अपना पॉइंट चेंज कर लिया। अब हम देखते हैं प्लीबियंस थे कौन। द प्लीबियंस आल्सो कॉल्ड प्लेब्स वर इन एंशिएंट रोम द जनरल बॉडी ऑफ फ्री रोमन सिटीजन, मीन्स उसके वो फ्री होते थे प्लीबियंस, किसी को भी अपने गवर्नमेंट में ला सकते थे ये लोग। कॉलोनियस ट्राइड टू कैप्चर द पावर ऑफ पब्लिक। जिस टाइम कॉलोनियस तक ये न्यूज़ पहुंची कि प्लीबियंस ने ट्रिब्यून्स की बात मान ली और मुझे अपना रोम का कौंसल नहीं बना रहे, तो उसने अपने तौर पे कोशिश की कि पावर ही मैं पब्लिक से छीन लूँ कि वो किसी को कौंसल बना सके अपना। जब आवाम को पता चला कि ये तो हमारी पावर, हमारे हाथ काटना चाहता है और हमें अपने लिए एक सर्वेंट बनाना चाहता है, तो उन्होंने कौंसल के जो लोग थे, पब्लिक थी आम, उन्होंने इसको अपने एरिया से निकाल दिया। और इसने अपोलोजाइज भी किया आवाम के सामने आके, हाथ वगैरह जोड़े, माफ़ी मांगी, लेकिन किसी ने इसको माफ़ नहीं किया, बस इसको निकाल दिया गया। अब ज़ाहिर बात है ऐसा इंसान जिसको उसके सिटी से निकाल दिया, वो दिल टूटा होता उसका, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी होता। और इसी दुख में उसने सोचा कि मुझे रिवेंज लेना चाहिए पब्लिक से। वो ऑफिडियस के पास चला गया, उनके साथ मिल गया वोल्मिनिया, और ऑफिडियस को उसने इस बात पर एग्री कर लिया कि मैं तुम लोगों को रोम पर हुकूमत करने का एक चांस दूंगा और हम वहाँ की पब्लिक को तबाह बर्बाद करेंगे, क्योंकि वो गुस्से में था कॉलोनियस इस टाइम। वोल्मिनिया जो होती है वो मैनेज कर लेती है कॉलोनियस टू प्रिवेंट फ्रॉम फाइट। वो ऑफिडियस के घर जाती है, वॉलिशियंस के पास, उसको समझाती है अपने बेटे को कि तुम ऐसा नहीं करोगे, हम जिस मुल्क को तुम तबाह करना चाहते हो वहाँ मैं भी रहती हूँ सिटी में। तो कॉलोनियस आखिरकार अपनी माँ का मान रख लेता है, मान लेता है, और जो ऑर्डर्स देती है वोल्मिनिया कि तुम फाइट नहीं करोगे वो मान लेता है। लेकिन अब मसला ये है कि उसको ऑफिडियस को भी जाके बताना है कि अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, मैंने अपनी माँ की बात मान ली और मैं अब रोम पे कोई हमला वगैरह नहीं करूँगा। हम चल रहे हैं स्कैंडी की तरफ। एज ऑफिडियस शाउट एट हिम दैट दिस सेनेटर स्टार्ट, मतलब ये है कि जब ऑफिडियस को पता चला कि कॉलोनियस जो है वो चेंज हो रहा है, वो अपनी माँ की बात मान रहा है, तो उसने आखिर में ये हल ढूंढा कि मुझे इसको दबाना चाहिए। जब कॉलोनियस ने दबा तो उसने अपने सेनेटर्स या वॉलिशियस लॉर्ड से वो सब मिलके ऑफिडियस पर, ऑफिडियस में उनके साथ मिल गया और वो लोग कॉलोनियस पर चिल्लाने लगे। आखिरकार वो इतनी ज़्यादा थे, कॉलोनियस एक अवैध इंसान था, उसने बुरे काम भी किए थे, लेकिन लास्ट में उसको मार दिया था ऑफिडियस लोगों ने। तो इस तरह से करके ये हमारे पास एक नोबल मैन के तौर पर हमारे सामने आया, एक ऐसा इंसान जिसने अपने इलाके को, अपनी सिटी को वॉलिशियंस से बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। I hope that you understand the story of the tragedy of Coriolanus and you understand it.